किसी भी क्रिएटिव रचनाकार को आलोचक कई बार बहुत सालता है और उससे रचनाकार बहुत चिढ़ता भी है। कुछ ऐसी एक रचना चिड़न की मैंने लिखी है जिसका शीर्षक है पैमाना। आज नहीं तो कल सबको नप जाना है, उनके पास बड़ा शातिर पैमाना है। यह तो तय है कि उनके गज से बढ़कर कोई लकीर नहीं होगी, यदि होगी भी तो उनको मंजूर नहीं होगी। वे काट छांट में पारंगत सिद्ध, उन्हें मैटना मिटाना है। आज नहीं तो कल सबको नप जाना है, उनके पास बड़ा शातिर पैमाना है। वे गुणवत्ता के मापदंड, शुद्धता उनके चरण पखारती है। वे स्वयं सिद्ध धर्म काटा, पासंगी तराजू उनकी आरती उतारती है। वे जिस पर वरद हस्त रख दें, तय है कि प्रतिमान उसी को बन जाना। आज नहीं तो कल सबको नप जाना, उनके पास है बड़ा शातिर पैमाना, उनके पास है बड़ा शातिर पैमाना। कभी ऐसा होता है कि किसी का लिखा हुआ गीत आपको इतना पसंद आ जाता है कि आप सोचते हैं कि काश ये आपने लिखा होता, काश ये आपका गीत होता। बस ऐसी एक गीत पर मन में एक प्रतिक्रिया आई और उस पर एक कविता लिख दी जिसका शीर्षक है कभी कभी। कभी कभी ऐसा लगता है कि तुमने जो भी गीत लिखे थे सबके सब मेरे थे। जो डूबा था भाव भंवर में वह केवल मैं था, तुम तो दूर खड़े थे जादूगर, बस शब्द जितेरे थे। कोरी आंखों से मैंने जितने भी सपने देखे थे तुमने सब के सब चुरा लिए। आतुर थी अर्पित होने को जिन की क्वारी बाहें वे अपने, तुमने सब के सब उड़ा लिए। समझकर तुमको जोगी निर्वसन हो गई थी कामनाएं, किसे खबर थी कि तुम तो खरे लुटेरे थे। कभी कभी ऐसा लगता है कि तुमने जो भी गीत लिखे थे सबके सब मेरे थे, सबके सब मेरे थे। स्त्री विमर्श पर कुछ कविताएं। पहली कविता जिसका शीर्षक है आजादी। माँ ने सुनाई थी कितनी ही कहानियां राजकुमारियों की, जिनके लिए रचे गए थे स्वयंवर। सोचती हूँ क्या अर्थ था उन स्वयंवरों का। शायद इतना ही कि उन्हें आज़ादी थी यह चुनने की कि किसके पास गिरवी रखनी है अपनी आज़ादी। स्त्री विमर्श पर दूसरी कविता जिसका शीर्षक है स्वयंवरा। वे स्वयंवर, स्वयंवर भी कहाँ थे, वे तो थे पुरुष वर्चस्ववाद के सशक्त प्रदर्शन, जिसमें शर्तें होती थीं पौरुष से पूरा करने की, और पुरस्कार स्वरूप दे दी जाती थी वह जिसके लिए रचा गया होता था तथाकथित स्वयंवर। बहुत बार तो बलात् अपहृत कर ली जाती थी स्वयंवरा। स्त्री विमर्श की तीसरी कविता है मुक्ति। दादी नानी रचती थी मंसूबे, कहती थी अपनी इस नन्ही सी गुड़िया के लिए लाएंगी खोज कर राम कृष्ण जैसा वर। मैं खुश हो जाती थी, पर आज सोचती हूँ कि इनमें से पहला तो नहीं दे पाया था अपनी एकमात्र पत्नी का भी साथ, और दूसरा नहीं हो पाया कभी किसी एक का। माँ दादी नानी कब हो पाएंगी मुक्त पुरुष के वर्चस्व के माया जाल से। स्त्री विमर्श की चौथी कविता है माँ दादी या नानी सुनाती थी मुझको जब कोई कहानी, होती थी उसमें फूल कुमारी सुकोमल रानी। खिल थी बागों में फूल कुमारी, महलों में सुख से रहती थी रानी। रानी के सुख से होती थी सुखी माँ दादी नानी।
फिर कहानी में आता था एक मोड़, सुख जाता था रानी को छोड़, सुनसान में आता था दुख दैत्य मानव की गंध, पर पीड़ा में उसको आता था आनंद, सोचती थी माँ दादी नानी कि सुख में है दुख में है हर एक कहानी। फिर आता था कहानी में सपनों का राजकुमार, अपने पौरुष से करता था उसका उद्धार, अंत में प्रदर्शित होती थी उपसंहार की कला, अंत भला सो सबका भला। मैं सोचती हूँ कि कितनी भोली थी माँ दादी नानी, जाने अनजाने में सुनाती थी मुझको पौरुष के वर्चस्व की कहानी, पौरुष के वर्चस्व की कहानी। की पांचवी कविता है जिसका शीर्षक है राजकुमार। खोज लाना चाहता था अपनी बेटी के लिए राजकुमार सावर, हर बार बिगड़ जाती थी बात, कभी रंग कभी रूप कभी दहेज कभी दम कभी जन्मपत्री पर जाकर। भाग्य के भरोसे कभी नहीं रहा, फिर भी कभी कभी मुंह से निकल ही जाता था पता नहीं क्या लिखा है मेरी गुड़िया के भाग्य में। देखकर पिता को चिंतित बिटिया भी करने लगी थी अपने सपनों से समझौते, एक दिन रंग लाई मेहनत मिल गया राजकुमार, पता नहीं सपनों का या समझौतों का।